हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज ये हमारा नया कंसेप्ट है विच इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे। सो हाउ डू यू डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद नॉर्मल रिएक्शन। एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको समझा दो। देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये सरफेस है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक को तुमने इधर खींचा या इसका इधर मोशन का टेंडेंसी है। ठीक है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन एन ऐसा रहेगा, लेट अस से, है ना। एक काम करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन को अलग कलर से डिनोट करेंगे। ये रहेगा नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। अब ब्लॉक का मोशन का टेंडेंसी इस साइड में, राइट साइड में, तो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस लेट अस से इधर लगेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि मोशन राइट साइड में हो रहा है। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट देखो कैसा है। ये रहेगा इनका रिजल्टेंट यहां पे, है ना। यहां पे हम लोग इसका रिजल्टेंट बनाएंगे, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट किसका किसका निकाला हम लोगों ने? रिजल्टेंट किसका किसका निकाला? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का। अब ये रिजल्टेंट में कितना एंगल बनाया है किसके साथ में? मिक्स विथ नॉर्मल रिएक्शन। दिस एंगल अल्फा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये एंगल है किसके किसके बीच का? रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का। ओके, क्लियर विद दिस? अब एक काम करेंगे हम लोग यहां पे। ये अगर एफ एस है तो ये भी एफ एस होना चाहिए। इतना अगर एफ एस है तो ये भी एफ एस होना चाहिए। ये N है, ये FS है और ये R है, है ना। R को एक काम करता हूं मैं, सॉरी, दिस इज़ R, ये R है, है ना। अब एक काम करेंगे, इसका पूरा थ्योरी लिखेंगे। अब यहां पे tan अल्फा लगाया इस ट्रायंगल में, tan अल्फा, व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट एफ एस है, एडजेसेंट एन है। ठीक है, नाउ वी नो दैट एफ एस इज म्यू एस इंटू एन अपॉन एन, एन एन कट गया, एफ एस का वैल्यू क्या है? म्यू एस इंटू एन, अभी तक हम लोग पढ़े। तो देयरफॉर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन बना tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स μs. This is the expression for angle of friction. ये है expression angle of friction का. Angle of friction क्या होता है? Tan inverse μs. What is μs? Coefficient of static friction. ये याद रखना, ये formula बहुत important है, उसको note down कर लो सब लोग अपने अपने notes में. Okay? Clear था, एकदम simple concept था. Okay? चल आगे बढ़ते हैं। पुल इज इजियर देन पुश, ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ना। पुल एंड पुश, पुल एंड पुश का फर्क क्या होता है हमको मालूम है? पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना, है ना। पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना। ओके, तो उनका क्या बोल रहे हैं कि पुल जो है इट इज इजियर, यानी पुल करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू पुश। धक्का देना हार्ड होता है, खींचना बड़ा इजी होता है। ओके, मतलब ये कंसेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग अलग वे में लग रहा है ना। हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि भाई पुल क्यों इजी है, पुश क्यों हार्ड है। ओके, तो ये है पुल, ये पुल का कंसेप्ट है, तुम धक्का दे रहे हो, सॉरी सॉरी, ये है पुश का कंसेप्ट, पुश का कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब यहां पे इसके रिजल्टेंट क्या क्या हो गए? ये एफ का ये रिजल्टेंट हो गया एफ, ये थीटा है तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, और ये हो गया एफ साइन थीटा।
तो यहाँ पे हम लोग एफबीडी बनाएंगे अब यहाँ पे, वो पुल का कंसेप्ट है। तो इसके ये कंपोनेंट्स क्या हो गए, ये हो गया एफ कॉस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा। ठीक है, देखो फोर्स को रिजॉल्व कैसे किया अपन ने, है ना। अब एफबीडीज बनाना है, एफबीडीज एक काम करते हैं, फोर्सेस अलग कलर से मार्क करते हैं हम लोग। हाँ, इस पे लगने वाले फोर्सेस देखो कौन से, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला एफ कॉस थीटा इधर लग रहा है ना, तो मैंने इधर बना दिया उसको, और एफ साइन थीटा उसके नीचे लग रहा है, मतलब इधर लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर लगेगा, वजन एम जी नीचे लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। ठीक है, समझ में आया सबको। अब इसके इक्वेशंस लिखेंगे। देखो वर्टिकल में एन है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में ऊपर में कोई एक्सेलरेशन, वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स, देयरफॉर एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक, क्लियर विद दिस। अब लेट अस से फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, या फिर हॉरिजॉन्टल में जस्ट मूव करना चालू करेगा, तो उस केस में जस्ट की कंडीशन क्या है, एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एफ एस, है ना, क्लियर है। तो देयरफॉर एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एफ एस, यानी म्यू एस इनटू एन, देयरफॉर एफ कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, कितना है बेटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन किए, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी प्लस एफ म्यू एस साइन थीटा। तो देयरफॉर ये इधर आ गया, एफ कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा is equal to mu s mg, so therefore f is equal to mu s mg upon cos theta minus mu s sin theta। clear है, समझ में आया सबको यहां तक, एकदम सिंपल है ना यहां तक, हाँ okay। तो ये नोट डाउन कर लो सब लोग, सभी ने नोट डाउन कर लेना है इसको, ओके? तो सभी ने स्टेप्स फॉलो करके इसको नोट डाउन करना है, ओके? ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे इसकी, सेकेंड केस की। सेकेंड केस की हम लोगों को एफबीडी बनाना पड़ेगा, है ना। अब यहां पर कलर चेंज कर देता हूं, एफबीडी देखो यहां पे, सॉरी एफबीडी। अब यहां पे फोर्सेस मार्क करेंगे, सबसे पहले एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा है ना, एफ साइन थीटा ऊपर लग रहे हैं यहां पे, और एफ कॉस थीटा राइट साइड में लग रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन एन भी ऊपर लग रहे हैं, वजन एम जी नीचे लग रहे हैं। अब एफ कॉस थीटा से तुम इधर खींच रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स एफ एस इधर लगेगा, है ना। यहां पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में सारे ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू सारे नीचे के फोर्स, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन प्लस एफ साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी, क्योंकि सारे ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू सारे नीचे के फोर्स, देयरफॉर एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये हो गया एन का वैल्यू। अब इसके लिए सॉल्व करना चालू करेंगे, इसके लिए भी अगर मूव कराना है, जस्ट मूव कराना है, तो एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एफ एस, है ना, यहां पर लिखता हूं मैं एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एफ एस, और एफ एस क्या होता है, म्यू एस इन टू एन, है ना। तो देयरफॉर एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन का वैल्यू कितना है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, है ना। ब्रैकेट्स ओपन किए, तो देयरफॉर एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी माइनस एफ म्यू एस साइन थीटा, ये इधर चला गया और कॉमन निकल गया एफ, तो देयरफॉर एफ ब्रैकेट में क्या बचा,
कॉस थीटा, ये माइनस का हो गया प्लस, म्यू एस साइन थीटा मैट्रिक्स इक्वल टू म्यू एस एम जी। तो देयरफॉर एफ का वैल्यू कितना है यहां पे, देयरफॉर एफ का वैल्यू इस केस के लिए म्यू एस एम जी अपॉन क्या आएगा कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, समझ में। अब यहां पे देखो ये हो गया पुल का फोर्स और ये हो गया पुश का फोर्स। अब पुल और पुश में फर्क सिर्फ डिनोमिनेटर में है। तुम देखो यहां पे डिनोमिनेटर का टर्म, यहां पे डिनोमिनेटर का टर्म देखो, यहां पे डिनोमिनेटर का टर्म देखो, यहां डिनोमिनेटर का टर्म ज्यादा है मतलब एफ पुल कम रहेगा, यहां पे डिनोमिनेटर का टर्म कम है मतलब एफ पुश ज्यादा रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है। क्यों, कैसे कम है, क्योंकि माइनस है ना, माइनस है तो मतलब ये टर्म छोटी है, ये डिनोमिनेटर की टर्म बड़ी है। तो यहां से वी कैन कंक्लूड दैट, कंक्लूजन के लिए यहां लिखता हूं, काम करूंगा यहां लिखता हूं, एफ पुल इज लेस देन एफ पुश, यानी पुश करने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है, पुल करने के लिए कम फोर्स लगता है, इसलिए पुल इज इजियर देन पुश। समझ आया सबको, आसान कंसेप्ट है, सारे डेरिवेशन एक के नीचे, क्या करना है ये बनाना है इसका एफबीडी और इसका इक्वेशन, बाजू में ये बनाओ इसका एफबीडी और इसका इक्वेशन और नीचे फिर ये लिख लो। ओके, क्लियर विद दिस, चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिमम फोर्स फॉर मोशन एंड इट्स डायरेक्शन, ये सिचुएशन है इस तरीके से, है ना, कम से कम कितना फोर्स लगाना है और उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। लेट अस से कम तुमको एफ फोर्स लगाना पड़ रहा है अल्फा एंगल पे, तो इसके कंपोनेंट ये हो गए, ये क्या हो गया अल्फा को लग के यानी एफ कॉस अल्फा हो गया ये, और ये एफ साइन अल्फा हो गया। ठीक है, और कौन से फोर्स लगेंगे इस पे, इसका वजन एम जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन एम ऊपर, अगर तुम एफ कॉस अल्फा से इधर खींच रहे हो तो एफ एस इधर लगेगा, इधर लगेगा, है ना, क्लियर विद दिस। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जब तुम इसको पुल, इट इज एज गुड एज पुल का कंडीशन, तो पुल के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, क्या फॉर्मूला निकाला था, पुल वाला फॉर्मूला है ना, यहाँ पे सेम फॉर्मूले लगेंगे जो, सॉरी हाँ पुल के लिए लगेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने लिखे थे ना पुल के लिए फॉर्मूले, है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आया था, म्यू एस एम जी अपॉन कॉस अल्फा आएगा यहाँ पे, क्योंकि पिछले बार थीटा था तो यहाँ पे अल्फा है ना, तो कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा, ये फॉर्मूला बनेगा, ये पिछले बार से डिराइव किया हुआ है हम लोगों ने, अब भी डिराइव किया था। ठीक है, आसान यहां तक। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा दैट वुड बी इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू एस, मतलब टैन अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस, आई एम टैन अल्फा म्यू एस। अब टैन अल्फा म्यू एस है मतलब मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूं जिसमें अगर यह अल्फा है तो यह अपोजिट म्यू एस और एडजेसेंट वन होना चाहिए, देख लो ये ट्रायंगल में टैन अल्फा क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, म्यू एस अपॉन वन टैन अल्फा, यानी ये क्या हो गया अपोजिट साइड हो गया, ये एडजेसेंट साइड हो गया, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस वन, कौन सा थ्योरम लगाया हम लोगों ने, है ना, कौन सा थ्योरम लगाया यहां पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो यहां से हम लोग साइन अल्फा की वैल्यू क्या निकाले, साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस वन, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, कॉस अल्फा की वैल्यू निकाले वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस वन। तो फोर्स जो खींचने के लिए हमको लगेगा एफ वो कितना आएगा, यहाँ पे ये वैल्यूज डालेंगे कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यूज हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी अपॉन, ये क्या आएगा कॉस अल्फा कितना आएगा वन अपॉन रूट ऑफ म्यू एस, सॉरी ये म्यू एस चाहिए म्यू एस स्क्वायर प्लस वन प्लस म्यू एस इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा में म्यू एस है और ऑलरेडी एक म्यू एस लगा तो क्या बन गया म्यू एस स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, कॉमन है ये, तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी अपॉन, ये क्या आएगा वन प्लस म्यू एस स्क्वायर
अपॉन, या फिर मैं इसको उल्टा लिखूंगा, म्यू एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस वन, है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे म्यू एस एम जी अपॉन, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यही बचेगा, लिखेंगे हम लोग ऐसा, क्यों लिखेंगे तुमको ध्यान में आ जाएगा, है ना। ये एक कैंसिल हो गया, तो therefore finally f becomes mu s mg upon square root of mu s square plus 1। ये है कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा जो तुमको, सो दैट ये ब्लॉक मूव करे। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला भी है इसका शॉर्टकट का। अब देखो मैं जो हाईलाइट करके बता रहा हूं यहां पे, देखो दूसरे कलर से देखो, मैं ये टर्म देखो म्यू एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस वन, बोर्ड पे लिखा है क्या है साइन अल्फा। दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, देयरफॉर एफ इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, अल्फा क्या था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आज ही पढ़ा ना हम लोगों ने, आज ही पढ़ा, व्हाट वाज अल्फा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान में आया सबको ये कंसेप्ट फ्रिक्शन वाला। ओके इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तुमको ध्यान में आ जाएगा। ओके देखो एक न्यूमेरिकल है यहां पे, अब यहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी इज पुल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस विद द मिनिमम फोर्स एट व्हाट एंगल थीटा द ब्लॉक शुड बी पुल्ड, है ना, कितने मिनिमम एंगल पे उसको ब्लॉक को पुल करना पड़ेगा, एट व्हाट मिनिमम एंगल। थीटा का फॉर्मूला क्या है, टैन इनवर्स म्यू एस एंगल ऑफ फ्रिक्शन, therefore theta is equal to tan inverse mu s, कितना है 0.75, यानी tan inverse 3/4 and tan inverse 3/4 is 37 degree। मैंने तुमको लर्न करने बोला ही एंगल्स, फेमस एंगल है ट्रायंगल के, फेमस एंगल 37 डिग्री 53 डिग्री, है ना। तो ये मिनिमम एंगल पे तुमको उसको पुल करना है, ठीक है, इतने कम से कम ये एंगल पे पुल करना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड, अब फोर्स के लिए मेरे पास में दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला क्या है म्यू एस एम जी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस वन, या फिर एम जी यहां पे अल्फा की जगह थीटा है तो साइन थीटा। अब दोनों में से कौन सा चूज करूंगा, मैं दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकता हूं, क्योंकि म्यू एस की वैल्यू भी है मेरे पास में, म्यू एस की वैल्यू दी हुई है 0.75, लेकिन थीटा भी मेरे पास में 37 है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला चूज करूंगा। तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना 10, जी का वैल्यू लेटर से 10 लेंगे, साइन 37 डिग्री, 10 इंटू 10 इज 100, एंड व्हाट इज साइन 37 3/5 520 आ, तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 60 न्यूटन, यानी कम से कम 60 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री पर लगाओगे तो ये ब्लॉक मूव करना चालू होगा। आया ध्यान में, एकदम सिंपल कंसेप्ट। ओके नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट है आज का, रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। अब इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले इस पर लगने वाले फोर्सेस निकाल लेंगे। ये हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन एन, ये हो गया इसका फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस, और ये हो गया एम जी, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लग रहा क्योंकि फोर्स सीधा है, है ना। अब हम लोग इक्वेशंस लिखना चालू करेंगे। इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, fs is equal to mu s into n, mu s into mg, ठीक है, mu s into mg। अब रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा, हम लोगों ने अभी डिराइव किया था आज ही, है ना, या ऐसा रिजल्टेंट फोर्स r, r दैट रिजल्टेंट फोर्स दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर, रिजल्टेंट फोर्स इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ये दो फोर्सेस का स्क्वायर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे, तो एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर 90 डिग्री पे, है ना। फॉर्मूला क्या लगता है, स्क्वायर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वन एफ टू कॉस थीटा, थीटा 90 है, तो दो टर्म चला गया, कितना ही बचेगा, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है एम जी, तो एम जी स्क्वायर प्लस एफ एस की वैल्यू कितनी है म्यू एस एम जी,
होल स्क्वायर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू, देखो एम जी स्क्वायर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा, वन प्लस म्यू एस स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, एम जी स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस म्यू एस स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला यार का वैल्यू क्या। अब फॉर फॉर आर टू बी मिनिमम, आर मिनिमम होने के लिए म्यू एस को जीरो होना पड़ेगा, मतलब फ्रिक्शन नहीं रहना चाहिए, म्यू एस अगर जीरो हो गया तो आर का वैल्यू कितना हो गया, जीरो थोड़ी ना होता, ये जीरो हुआ है ना, तो इट इज एम जी, तो दिस इज आर मिनिमम है ना, तो हम लोग, और ये हो गया आर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारा आज का क्या, कि आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एम जी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी, सो दिस इज द रेंज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड, यानी आर की वैल्यू इतनी रह सकती है और कम से कम इतनी रह सकती है एम जी, तो ये उसकी रेंज है। आया रहा मैं सबको, कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है रिजल्टेंट फोर्स का, तो ये बात ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंगल ऑफ रिपोज और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ओके दैट्स इट।